हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जाने वाले हैं ग्रॉसरी शॉपिंग जर्मनी की मार्केट में। तो आपको मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने पोनीटेल बना ली है, इसके ऊपर से जैकेट पहनूंगी, उसके बाद बाहर जाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ अब सीधा का सीधा बाहर जाके। मैंने अपने ये इयररिंग्स पहन लिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे ना, जो मार्केट से खरीद के लाने थे, तो वो मैंने पहन लिए हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। देखिए कितने प्रिटी लग रहे हैं ना। तो अभी चलते हैं मार्केट और मार्केट जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आई होप कि हमें अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिल जाएं। और चलिए चलते हैं फिर। मैंने अपना बैग उठा लिया है और मैं रेडी हूँ शॉपिंग के लिए। तो गाइज़, मैंने एंटर किया और मुझे सबसे पहली चीज़ देखो क्या मिली, ट्रायंगल वाली कैबेज। तो ये वाली कैबेज से मैं हमेशा बहुत ही फैसिनेटेड रही हूँ, तो मैं इसको लेके जाती हूँ और बना के देखूँगी ये कैसी बनेगी। तो इसे अपने बैग में रख लेते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो इसे बैग में रखते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद जो कैबेज ली है उसे बनाने के लिए हमें प्याज भी चाहिए होंगे, तो प्याज को भी लेते हैं और बैग में रखते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, मुझे कुछ और सब्ज़ियाँ भी चाहिए। तो मैं बाकी सब्ज़ियाँ तो यहाँ से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा लेती नहीं हूँ, क्योंकि कोई मेरे को समझ नहीं आता ये कैसे बनानी है। तो अभी देखती हूँ, या तो जुकिनी या तो ब्रिंजल। तो हमारा जीता ब्रिंजल, तो हम ब्रिंजल भी लेते हैं, एक ब्रिंजल काफ़ी होगा। उसके बाद ये कलरफुल सी सब्ज़ियाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये बेल पेपर्स हम लेते हैं, ये वाला, और इसे भी पैक में रखते हैं और आगे चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। मुझे याद है मुझे शुगर भी लेनी है, तो मैं अभी शुगर ढूंढती हूँ यहाँ पे कहाँ है, और देखते हैं फिर बिलिंग कराएंगे, बाहर चलते हैं। ये लेती हूँ बस, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रास्ते में जाते जाते ब्रेड टकर गई, तो ब्रेड को भी अपने बैग में रख लेते हैं। ब्रेड गई बैग में। मेरा जो ये बैग है बहुत हैवी हो गया, पता नहीं कैसे लेके जाऊँगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से और बिलिंग कराते हैं। फ्रेंड्स, मुझे चिप्स भी दिख गए, नॉर्मल सॉल्ट चिप्स हैं। तो मैं यहाँ से लेती हूँ फ्रेश पैकेट। ये बैग भी सच में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। हाय गाइस, मैं सेक्शन में पहुँची, मैंने सोचा चिप्स के साथ कुछ पीने के लिए तो होना ही चाहिए, तो मैं ये भी ले रही हूँ। तो गाइस, मुझे लगा कि एक चॉकलेट भी होनी चाहिए, तो मैंने चॉकलेट भी रख ली है। चलिए चलते हैं। फिर मैंने कराया बिलिंग और मैं गई बाहर। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट स्पॉट पे, चर्च है, चर्च की स्टेयर्स हैं ये। को वो जो तीन आइटम जो मैं इंस्टेंट खाने वाले लाई हूँ, तो वो टेस्ट करके बता देती हूँ। भी ये खाएंगे, उसके बाद जो दूसरा आइटम है वो ये क्यूट सा मॉन्स्टर है इसके ऊपर बना हुआ, ये टेस्ट करेंगे, कोई टी है ये। और जो कहते हैं, मैंने सुना है ये टेस्टी होती है, तो देखते हैं ट्राई करके। तो ये तीनों आइटम अभी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे लगते हैं। तो मैंने किसी तरीके से अपने जो कैमरा है ना, वो अपने बैग के अंदर ही रख दिया है, तो सबसे पहले मैं इसे ट्राई करती हूँ। तो ये कैसी होगी देखते हैं, देखने में तो बहुत क्यूट है। और ये टी है, सोडा भी नहीं है, टी है। अगर इसमें कैप भी है तो मैं ट्राई करके बताती हूँ कैसी है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है यार, जैसे हम बचपन में वो च्युइंगम खाते थे ना, बगलगम वाली, तो वो वाला टेस्ट है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा। मुझे लगा नहीं था ये इतनी टेस्टी होगी, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, एकदम रिफ्रेशिंग सा, फ्रूट टाइप का, एकदम वो बचपन की याद आ गई, बगल गम वाली जो च्युइंगम हम खाते थे ना, वो उसकी याद आ गई, काफ़ी अच्छी है। अभी हम चिप्स ट्राई करते हैं, चॉकलेट भी। तो ये रही वो चॉकलेट, इसे ओपन करते हैं। अभी ओपन तो हो गई है, ओके। तो ये फ्रेरो वाली जो चॉकलेट्स आती है ना, तो उसका डिफरेंट वेरिएंट है, भी अच्छा होगा, कोकोनट जैसा लग रहा है, खा के देखते हैं। इसके अंदर क्रीम है, बाहर कोकोनट का टेस्ट है। काफ़ी बहुत अच्छी है, मैं अगर इसे दूंगी तो 10 out of 10, जूस को दूंगी 8 out of 10, नहीं 9 out of 10। और ये काफ़ी, ये जो चिप्स हैं काफ़ी बड़े हैं, और तो मैं आपको दिखा देती हूँ, नॉर्मल जैसे सॉल्ट वाले चिप्स हैं ना, अपने आते हैं वैसे लग रहे हैं, जो नॉर्मल लेज होते हैं। क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी है, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो चलिए टेस्ट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कैसे हैं। नॉर्मल जैसे हम चिप्स खाते हैं ना, लेज वाले, इनफैक्ट इनका टेस्ट थोड़ा सा जो हम बर्त में नवरात्रों में खाते हैं वैसा है, क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सॉल्ट वाले चिप्स हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, मैं इन्हें दूंगी
8/10। आज की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये चॉकलेट, चॉकलेट तो है ही और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। तो अगर तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, और देखते रहना मेरा ब्लॉग, मैं ट्राई करूँगी, मैं डालती रहूँ। ठीक है, बाय बाय।